नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल आत्मा की कहानी। आज मैं आपको बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, आरिफ और सारस की दोस्ती। दोस्तों सिरोताओं, आज मैं आपको बताऊंगा कि सारस की दोस्ती आरिफ से कैसे हुई थी और कहां हुई थी, ये मामला कहां का है। बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है जहां देखो सारस आरिफ, सारस आरिफ। श्रोता, उत्तर प्रदेश में एक जनपद है अमेठी। अमेठी का एक विकास खंड है माऊ, वहां का एक गांव है मंडवा। मंडवा का रहने वाला आरिफ जो खेती किसानी का काम करता है, उसके घर पे बकरी पालन होता है, भैंस पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, और हमेशा की तरह वो अपने खेत पर जाया करता था। एक समय की बात है, 2022 अगस्त में आरिफ अपने खेत पर गया था, और जब खेत पे गया था, खेत में देखा एक फसल जो थी उसकी, उसमें एक ससराट की आवाज आ रही थी, आहट की आवाज आ रही थी। जब वो पास में पहुंचा, वहां कौन था, वहां पर था सारस। सारस कहते हैं अगर सारस की जिससे दोस्ती हो जाए वो अनमोल होती है। सारस जिंदगी में एक ही बार दोस्ती करता है, चाहे सारस से करे या पुरुष से करे। आपको बता दें, जब सारस उसे मिला था, सारस का एक पैर टूटा हुआ था। क्या था? एक पैर टूटा हुआ था। और जब उसने देखा, सारस को उठाया, सारस उसे काटने को दौड़ रहा था, चोंच मार रहा था, फिर भी सारस को आरिफ ने उठा के अपने घर पर ले आया। श्रोताओं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपसे विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। जब वो सारस को लेकर घर पर आया और उसने सारस के मलम पट्टी करी, जो घर पे हर के देसी नुस्खे होते हैं, हल्दी और नमक वगैरह से उसने लेप किया, पैर उसका जुड़ गया। कुछ दिन दबा लगा कि उसका पैर जुड़ गया, क्योंकि घर पे लोगों को नुस्खे पता होते हैं। उसके बाद क्या होता है श्रोताओं, उसने सोचा था कि ये मेरा सारस है, ये चला जाएगा, मुझसे उड़कर चला जाएगा, मगर मेरा ये सारस नहीं गया, क्योंकि उसे क्या मालूम था सारस मुझसे प्यार करने लगेगा, मुझसे दोस्ती करने लगेगा। अब सारस तो जंगल में रहता था, जंगल में मुंह मछली वगैरह खाता था, मगर उसके पास मछली कहाँ थी। सारस उसे आटा की गोलियां बना के डालने लगा। जब आटा की गोलियां बना के डालने लगा तो वो सारस आटे की गोलियां खाने लगा। खाते खाते उसके घर पे बगीचे थे, पेड़ थे, पौधे थे, वहीं वो खुला रहता था, बरामदे में रहता था। जब बरामदे में रहता था और वो देखता था, जहां भी आरिफ जाता था वहीं सारस उसके पीछे पीछे जाया करता था। अगर सारस आरिफ बाइक से जाता था तो सारस ऊपर उड़ के जाता था, अगर वो मार्केट में जाता था फिर मार्केट में भी जाता था। सारस की दोस्ती इस कदर बढ़ गई। और आपको बताते चले, जब भी आरिफ खाना खाता था सारस उसकी थाली में खाया करता था, पानी भी साथ में पीता था। यहां तक की बात मिसाल की जाए, दूर दूर तक आरिफ और सारस की दोस्ती की चर्चे होने लगी, पॉपुलर होने लगी। श्रोताओं, दूर दूर के लोग आरिफ और सारस की दोस्ती के ऊपर कहने लगे कि इसे कहते हैं दोस्ती, इंसानों की क्या दोस्ती है, इस पक्षी की दोस्ती देखो। धीरे धीरे क्या होता है, उसी पड़ोस में अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री की जनसभा लगी थी, जनसभा संबोधित कर रहे थे, उधर से एक अखिलेश समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अखिलेश के कान में कहता है, सर यहाँ पड़ोस में एक गांव है मंडवा, वहां पर एक लड़का है आरिफ, उसने सारस को पार रखा है, उसकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है, क्या हो सके तो मिल लें उससे। जब अखिलेश का ऐसा कहना हुआ, अखिलेश क्यों नहीं मिलेंगे, अखिलेश का काफिला उधर से ही निकला। इस्तीफा की बात यह है कि उस दिन सारस भी आरिफ के पास मौजूद था। वैसे तो सारस उड़ जाता था, मगर शाम को रोजाना की तरह आ जाता था। जब अखिलेश यादव पहुंचे तो क्यों ना बात हो, फिर फोटो भी खींचेंगे। जब सारस आरिफ के साथ साथ के फोटो खींचे, और जब फोटो खींचेंगे तो सोशल मीडिया, गूगल, ट्विटर, अकाउंट, फेसबुक पे तो जरूर पड़ेंगे, ये तो सोशल मीडिया की, क्योंकि जब फोटो खींचेंगे तो अपलोड तो जरूर होंगे। जब अपलोड फोटो हुए तो लोग नए नए कमेंट करना शुरू कर दिए, ट्वीट करना शुरू कर दिए, राजनीतिक बनाना शुरू कर दिए। आप पता लगा जब उस पर क्या होता है श्रोताओं, क्योंकि उससे आरिफ से नए नए लोग मिलने आते थे। एक समय वन विभाग की टीम ने एक अधिकारी ने उससे कॉल की कि सर घर पे मिलना मैं आ रहा हूँ। उसके आरिफ के खिलाफ नोटिस जारी हो गया, मुकदमा पंजीकृत हो गया कि तुमने इस पक्षी को पकड़ के रखा था। आप बताइए, जब पक्षी मर रहा था तब वन विभाग वाले कहाँ गए थे, तब तो भी वन विभाग को देखना चाहिए था। क्योंकि क्या होता है, जब
उसका सारस को वो छोटा हाथी पिकअप में डालकर ऊपर से पन्नी डालकर ले जा रहे थे। अनुसंधान रायबरेली में जो पड़ता है पक्षी विहार, उसमें ले जा रहे थे। उसके आरिफ रो रहा था बेचारा, उसके आंसू तड़प रहे थे और उसे छोड़ दिया। जब छोड़ने के बाद में उसे आरिफ को उससे मिलने नहीं दिया और कह दिया यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में यहाँ पर भटकना भी नहीं। फिर क्या होता है, सारस कुछ समय के बाद वहाँ से उड़ जाता है, फिर उस आरिफ के पास आ जाता है। श्रोताओं, फिर जंगल वन विभाग की टीम फिर सारस को पकड़ कर कहाँ ले जाती है, लखनऊ से सीधा कानपुर चिड़ियाघर में ले जाती है। वहाँ चिड़ियाघर में उसको सारस को क्वारंटाइन किया जाता है, जिससे कि इसके कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि किसी दूसरे पक्षी को हो जाए, क्योंकि वो वहाँ तो दाल खाता था, चावल खाता था, अच्छे अच्छे पकवान खाता था। चिड़ियाघर में वो तो जो सब पक्षी खाएंगे वो खाएंगे। मगर आरिफ जब अखिलेश यादव चिड़ियाघर में पहुंचे तो उस सारस से मिलने नहीं दिया। वहाँ के लोगों ने सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में दिखा दिया। आरिफ कह रहा है मेरा तो सारस बहुत पतला हो चुका है, मुझे एक पल उससे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मगर ये तो कहना मुश्किल है कि जो सारस है वो नर है या मादा है। आरिफ के समर्थन में दूर दूर लोग नारे कर रहे हैं कि सारस को वापस दो, सारस को वापस दो। जगह जगह पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, डीएम को, एसपी को, लोग जाम लगाने को तैयार हैं, क्योंकि आरिफ और सारस की दोस्ती को मिसाल देते हैं। क्योंकि जो सारस होता है वो सिर्फ एक बार प्यार करता है, चाहे सारस से करे या पुरुष से करे। इसलिए कहते हैं कि सारस की दोस्ती अमर है, जहां भी सारस रहेगा दुखी रहेगा। सारस कुछ नहीं खा रहा है, उधर आरिफ भी कुछ नहीं खा रहा है। श्रोताओं, मुझे उम्मीद है आपसे कि उसका सारस वापस मिलेगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक पहलू बनने लगे हैं, क्योंकि हर कुछ सब राजनीतिक के चक्कर में पड़े हुए हैं। उसका सारस का क्या कसूर था, सारस को उसने कभी पकड़ कर नहीं रखा, क्योंकि सारस आजाद पंछी है। सारस को अपने आप उसने कहा था सारस चला जाएगा, मगर सारस जाता था फिर आ जाता था, क्योंकि अगर मैं कुत्ते को ही खाना खिलाऊं तो कुत्ता मुझे वफादारी करेगा, मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। वो तो उस टूटा हुआ सारस मर रहा था, उसका पैर जोड़ा इलाज किया उसी ने। सारस ने आरिफ को ही ईश्वर परमात्मा भगवान ईश्वर अल्लाह सब कुछ मान लिया है। श्रोताओं, सारस वापस दो। श्रोताओं, अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।